सड़कों पर कूड़ा बीनते, फुटपाथ पर बेखबर सोते व पटरियों पर खेलते हुए अक्सर कुछ बच्चे नजर आते हैं। अपनी धुन में मगन इन बच्चों को न घर जाने की फिक्र है न किसी का डर। आखिर कौन है ये बच्चे, कहां से आए हैं, कोई नहीं जानता। ऐसे बच्चे हर शहर में देखे जा सकते हैं। इनमें से कुछ घर से भागकर आए हैं तो कुछ को अपनों ने छोड़ दिया। लेकिन अलीगढ़ के रेलवे स्टेशन व उसके आसपास रहने वाले ये बच्चे बेहद खुश नसीब हैं, क्योंकि इनकी जिंदगी में नदीम भाई उम्मीद की एक नई किरण लेकर आए हैं। अब हर रोज इन बच्चों को नदीम भाई का इंतजार रहता है, जो इनके लिए पुरानी किताबें, पेंसिल व कापियां लाते हैं व इन्हें पढ़ाते हैं। नदीम की इस पहल ने दुनिया से आज खो चुके इन बच्चों में एक नई उम्मीद जगाई है। अब वे इस नर्क से निकलकर जीना चाहते हैं। मेरा नाम श्याम सुंदर है, मैं स्टेशन पे रहता हूँ। मैं कभी स्कूल ले गया हूँ, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, पढ़ने जाता हूँ। नदीम उड़ान सोसाइटी में कार्यरत हैं, जो पिछले 10 सालों से अलीगढ़ की मलिन बस्तियों में उपेक्षित एवं सुविधा वंचित समाज के लिए समर्पित हैं। Udaan Society has been a very important partner of the Urban Health Initiative since 2010. They've played an extremely important role in bringing important information, counseling, referral and services to very poor marginalized communities and people in Aligarh. 2004 में स्थापित उड़ान सोसाइटी की गिनती आज देश की प्रतिष्ठित संस्थाओं में होती है। इतने कम समय में यह मुकाम हासिल करना उस सपने के पूरे होने सरीखा है, जिसे कभी समाज सेवा की पढ़ाई कर रहे कुछ दोस्तों ने देखा था। उड़ान सोसाइटी एक सपना है जो 2004 में कुछ लोगों ने मिलकर देखा था। ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जो अलीगढ़ में अनछुए थे और जिनको कि कोई भी सामाजिक संस्था पुरजोर तरीके से नहीं उठा रही थी और कोई भी इस तरह की यहाँ व्यवस्था नहीं थी। तो हम लोगों ने सोचा कि उसके लिए समाज सेवा से बेहतर कोई और विकल्प नहीं हो सकता है। उड़ान सोसाइटी अलीगढ़ जिले में चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन की राष्ट्रीय आपातकालीन सेवा भी चलाती है। पूरे भारत में 1098 नंबर से संचालित यह सेवा गुमशुदा एवं असहाय बच्चों को उनके परिजनों से मिलवाती है। उड़ान सोसाइटी इस सेवा के तहत अब तक करीब 600 से भी ज्यादा बच्चों को उनके घर पहुंचा चुकी है, जो बेहद सराहनीय है। लड़का है, नाती लगता है, ये खेलते खेलते गुम हो गया। हमने कोतवाली में रिपोर्ट कराई, हमें मालूम पड़ा, कुछ लोगों ने बताया कि आप चाइल्ड लाइन जाइएगा, अगर चाइल्ड लाइन नहीं होती तो हमारा बच्चा शायद नहीं मिल पाता। चाइल्ड लाइन के होने से यह है कि जैसे हम लोग उनको फ़ोन करते हैं, जैसे उनको कॉल किया जाता है, तत्काल वो रेस्पॉन्स देते हैं। लास्ट ईयर तो 22 बच्चों को यहाँ रेस्क्यू करके छोड़ा गया था, चाइल्ड ट्रैफिकिंग में के तहत ले जा रहे थे, और उन 22 बच्चों को सुपुर्द किया गया था। जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से चाइल्ड लाइन वालों ने काफ़ी प्रयास करके सभी बच्चों के घर परिवार और गार्जियन को ट्रेस करके उनको वापस उनके यहाँ भेज दिया। चाइल्ड लाइन सेवा का यह कार्य बेहद चुनौतीपूर्ण है, अक्सर बच्चे इन्हें गुमराह करते हैं। ऐसे में अक्सर मनोचिकित्सक की सलाह भी लेनी पड़ती है। हमें ऐसे बच्चों से ज्यादा परेशानी हो जो ज्यादा ही छोटे होते हैं, मंद बुद्धि भी है साथ में, तो वो कुछ नहीं बता पाता। चाइल्ड लाइन वाले जो बच्चे मेरे पास लेकर आते हैं, मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि वो जिन कंडीशंस या सिचुएशन में हैं उसमें से वो उभर के बाहर आए, उनको ऐसी अश्योरेंस दी जाए जिससे वो उनकी बार बार भागने की हैबिट ना हो। चाइल्ड हेल्पलाइन बहुत ही मानव उपकार का काम कर रही है। उड़ान की इस पहल का शहर की कई हस्तियों ने दिल खोलकर स्वागत किया है। उड़ान सोसाइटी अब एक रिस्पेक्टेबल सोसाइटी बन गई है, और चाइल्ड लाइन के अंदर में ये लोग जो गुमशुदा बच्चों को है वो अपने पास में रखते हैं, उनका इलाज करवाते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा पुनीत कार्य है। और मैं समझती हूँ अगर मान लो ये यहाँ नहीं होते तो जाने कितने बच्चे सड़क पे घूमते रहते हैं या कोई और गलत धंधों में डाल दिए जाते। हेल्थ के कई ऐसे जागरूकता वाले कार्यक्रम हैं जिसमें उड़ान सोसाइटी की जो उपस्थिति है मैंने हर समय लगातार देखी है। मैं इसकी भरपूर प्रशंसा करता हूँ, सराहना करता हूँ। पी एस
ISI व UHI जैसी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोगी के तौर पर उड़ान सोसाइटी अलीगढ़ की मलिन बस्तियों में परिवार नियोजन की सुविधाओं एवं लाभ के बारे में जानकारी प्रदान करती है। उड़ान के कार्यकर्ता नियमित रूप से इन बस्तियों में जाकर जनसभाएं आयोजित करते हैं। इसके अलावा महिलाओं को विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से परिवार नियोजन के साधनों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। यही वजह है कि आज इन संवेदनशील बस्तियों में भी लोग परिवार नियोजन के साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उड़ान सोसाइटी से जुड़े हुए पीयर एजुकेटर्स और ORWs ने बहुत मेहनत से लोगों को जागरूक किया है परिवार नियोजन के सुविधाओं के बारे में। 2010 में कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवलेंस रेट CPR 38.5% था, ढाई साल में 2012 में ये इंक्रीज होकर के 42.5% हुआ है। इसमें उड़ान सोसाइटी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इन पंक्तियों को चरितार्थ किया है उड़ान सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने, जिनका जिक्र तबस्सुम के बिना अधूरा है। तबस्सुम एक ऐसी महिला कार्यकर्ता थी जो हमारे बीच में थी और उन्होंने हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य शुरू किया था, और उसी का परिणाम था कि मंगलायतन यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने और अध्यापकों ने मिलकर उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी, जिसने कि तबस्सुम को और उड़ान सोसाइटी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। ये हमारा सौभाग्य है कि तबस्सुम जैसी महिला कार्यकर्ताओं ने हमारे साथ में काम किया है। उड़ान सोसाइटी महिला स्वावलंबन के माध्यम से मलिन बस्तियों की हुनरमंद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास भी करती है। पैचवर्क एवं क्रोशिया के कार्य की जानकार महिलाओं को उनके घर पर ऑर्डर देकर कढ़ाई का कार्य कराया जाता है। उड़ान की इस अनूठी पहल से इन मलिन बस्तियों की महिलाओं को बड़ी संख्या में रोजगार मिल रहा है। ऐसी महिलाएं जो कि कारीगर तो हैं और अपने कला के माध्यम से विभिन्न कार्य कपड़ों पर करती हैं, तो ऐसी कारीगरों के लिए हम लोगों ने जो है उनकी मार्केटिंग की व्यवस्था करी है। उड़ान सोसाइटी ने अतीत में एड्स जागरूकता कार्यक्रम, पल्स पोलियो अभियान, रक्तदान शिविर का आयोजन, मतदाता जागरूकता अभियान, स्वच्छता, पेयजल एवं जल निकासी आदि कार्यक्रमों के माध्यम से हर वर्ग तक पहुंच बनाई है। अभी तक हमने एक दर्जन से अधिक प्रोग्राम्स में भाग लिया, जिसमें केयर के साथ काम किया, इसके अलावा UPSEX नाको इसके साथ काम किया है, पंचायती राज, जिला प्रशासन, ग्राम विकास, बेसिक शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, इन मंत्रालयों के साथ भी हमने काम किया है। लोगों के सहयोग से उड़ान सोसाइटी ने अलीगढ़ के प्रतिष्ठित खेरेश्वर धाम पर वृद्ध एवं बालकों के लिए एक आश्रम का निर्माण किया है। अगर आप भी चाहते हैं कि जोश, जज्बे और जुनून की यह उड़ान इसी तरह सफलता के नित नए आयाम तय करती रहे, तो आइए, क्योंकि कुछ जरूरतमंद लोग आपका इंतजार कर रहे हैं।